देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं। मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। Led by Prime Minister Modi, His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. लेकिन बड़ा सवाल है कि मोदी जी पर जिन दबावों की चर्चा पुतिन साहिब ने करी है कि मोदी जी पर बहुत दबाव है, वो दबाव है कौन सा? तो दोस्तों उसका हालिया जवाब है पन्नू के माध्यम से, निज्जर के जरिए। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन भारत पर दबाव डाल रहे हैं और भारत को इस चीज का पता है। मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर और मोदी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे नो इट एग्जैक्टली। इसी वजह से उन्होंने कभी अपने सारे एग्ज एक बास्केट में नहीं रखते, रशिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रशिया से तेल लेते हैं, दूसरे ममालिक से उनके साथ रिलेशनशिप है उनके। प्यूटन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की। क्या वजह है, उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क क्या है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज प्रेस सेंटर चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी चीज स्थाई नहीं, कौन सा देश कब किसका दुश्मन या दोस्त बन जाए यह कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं और ये बात पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे रूस का मामला हो या अमेरिका का, इंडिया का हो या चाइना का हो या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का हो, लेकिन इन सभी के बीच एक चीज स्थाई रहा है, वो है इंडिया का स्टांस। इंडिया का हमेशा से यही गोल रहा है कि दुनिया के हर देश से एक बैलेंस बनाकर रखा जाए। हालांकि बीते कुछ साल इंडिया के लिए काफी मुश्किल रहा, खास तौर से तब जबकि इंडिया अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहता है। लेकिन रूस एक ऐसा देश है जिसने इंडिया को तब साथ दिया था जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत, और भारत ये बात कतई नहीं भूल सकता। और यही वजह है कि अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद, खास तौर से रूस यूक्रेन के मामले पर, भारत ने कभी भी रूस को खुलकर कोई बात नहीं कही। यहाँ तक कि G20 जो भारत में हुआ उसमें भी भारत ने ये बात सुनिश्चित की थी, उसमें रूस का मामला न उठाया और न उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जिस तरह से अमी पन्नू के मामले पर अमेरिका का भारत के बीच में थोड़े खटास नजर आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी मोदी जी की प्रशंसा करके यही कहा। आइए वीडियो में देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और पीएम मोदी की नीति दोनों ही देशों के मजबूत संबंधों की गारंटी है। पुतिन ने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित, भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। ग्लोबल स्केल का लीडर है वो, कौन सा बड़ा लीडर है एक और जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है। जनाब हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है। अब ये क्यों किया, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरहद पर चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो, तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि
उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडेरिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टेल का नहीं शो करेंगे, ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया, दोस्त दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जोन्स हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की, क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क क्या है? देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी यह है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना, तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लेशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर छिल्लर कह रहे थे, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे किसवें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। रशिया को छोड़ दें, आप सऊदीया को देख लें, सऊदीया को छोड़ दें, अमेरिका को देख लें, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके इमरान खान साहब, वो भी इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होते रहते हैं। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में? उनकी पॉलिसीज में जो मेन डिफरेंस अभी तक देखने में मेरा उनकी फॉरेन पॉलिसी है। वो फॉरेन पॉलिसी एक बनाते हैं विद इन पैसे, जो एक टाइम फ्रेम, एक टेन्योर डिसाइड कर लेते हैं कि 15 ईयर के लिए हमारी है, उस पर वो स्टिक रहते हैं और उसी को ही अचीव करते हैं। गोल्स अलग वो अपने डिसाइड करके उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप, एक पॉलिटिकल सेटअप में इंटरवीन कर दे और उसके बाद वो क्या करे कि उस चीज़ को डाइवर्ट कर दे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरन वो पॉलिसीज को चेंज कर दें। हमारे में यहाँ है, इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर नॉन पॉलिटिकल सेटअप जो इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसे हम डीप स्टेट कह सकते हैं, डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीप स्टेट के अलावा बाकी भी जो एक नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, इनका भी इंटरवीन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ये भी हमारे लिए। शॉर्ट ये कह लें, सादा अल्फाज में ये कह लें, वो लोग जिन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए वो सियासत के बहुत करीब हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप। किसी न किसी मुल्क से, किसी न किसी इंटरनेशनल कंट्री से, या फिर जो भी सुपर पावर कंट्री होती है, वहां से न्यूज आती है कि इंडिया के साथ ऐसा किया गया, इंडिया के बारे में ऐसा बोला गया, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक किया गया, तो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और जाहिर बात है जी, पूरी दुनिया इंडिया कर रही, सिर्फ सऊदी ही नहीं कर रहे। आप जिस भी कंट्री को देख लें, उसके सरबराह इस वक्त इंडिया की ही तारीफ कर रहे हैं। तो उसकी वजह आपको पता है कि कहते हैं ना कि जिसके जेब में पैसे हो ना, तो उसकी पूरी दुनिया ही तारीफ करती है।